हो गई तसल्ली देवर सर, या अब भी कुछ बाकी है? अब आप क्या कहेंगे? जब तक हमें हमारे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पता तो आप तब करेंगे जब अमृता वापस घर आएगी। उन्हें तो घर आना ही पड़ेगा। कब तक वो बाहर रुकेंगे? कब तक वो बाहर रुकेंगे? अमृता, क्या हुआ? आप सब लोग हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? आपकी पोल सबके सामने खुल चुकी है, और अब आप ये बताइए कि आप कहाँ गायब हो गए? वो हम नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते। सुना देवर सर, ये जो जी में आए कर सकती है, पर बताना जरूरी नहीं समझती। अमृता बेटी, हमें क्षमा कर दीजिए, ये सब गड़बड़ हमारी वजह से ही हुई है, लेकिन हम क्या करते? आपकी नौकरानी ने हमसे आगे कहा कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए हम बिना सोचे समझे यहाँ भागे चले आए। वो नौकरानी कौन थी हम कुछ नहीं जानते बेटा, हमें क्षमा कर दीजिए। वो नौकरानी कौन थी हम कुछ नहीं जानते बेटा। हमें पूरा यकीन है ये हरकत माँ ने ही की है। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, भूल जाओ उन सब बातों को, भूल जाओ। नहीं दादी साहब, हम नहीं भूल सकते। हम बस इतना जानते हैं कि अमृता ने हमारा विश्वास तोड़ा है। बेटा, विश्वास एक ऐसी चीज होती है जो ना हो तो तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर विश्वास हो तो इतना मजबूत कि उसे तोड़ना नामुमकिन हो जाए। हमने तो विश्वास किया था ना दादी साहब, अमृता ने अपनी हरकतों की वजह से उस विश्वास को तोड़ा है, पूरे घर के आगे हमें शर्मिंदा किया है। बेटा, अभी अभी आपकी शादीशुदा जिंदगी शुरू हुई है, पति पत्नी की जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं, मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा बेटा, कोई रास्ता ढूंढो, उसका कोई हल निकालो। ऐसी कोई समस्या नहीं है बेटा जिसका कोई हल ना हो। तो अभी बताइए, क्या हम गलत हैं? क्या पति होने के नाते हमारा ये हक नहीं कि हम ये जाने के हमारी पत्नी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? बेटा, शक हमेशा रिश्तों को बिगाड़ता है। हम शक नहीं कर रहे दादी साहब, बस हमें अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। कोई इसे जिद समझता है तो समझे। क्या बताएं हम आपको अर्ज, क्या जवाब दें आपके सवालों का? हकीकत हम आपसे कह नहीं सकते, और अगर हिम्मत करके कह भी दिया बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये आपका प्यार ही तो है अर्जुन, जो हमें बार बार आपके पास खींच लाता है। सिर्फ हम ही जानते हैं अर्जुन, इस बार कितनी मुश्किल से हम आप तक पहुंचे। अमृता, अमृता, अमृता।
तुम्हारे मन में लाखों सवाल उठ रहे होंगे कि एक दुश्मन होते हुए भी हम एक दोस्त की तरह हमेशा तुम्हारी मदद क्यों करते हैं। लेकिन यह सही वक्त नहीं है अमृता। सही वक्त आने पर तुम्हें अपने आप हर एक सवाल के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने इंसानी रिश्तों को बचाना है। जाओ अमृता, जाओ और बचाओ उन रिश्तों को। जाओ अमृता, जाओ अमृता, जाओ अमृता, जाओ। तुम्हें अपने इंसानी रिश्तों को बचाना है। इंसानी रिश्तों को बचाना है। जाओ अमृता, जाओ, जाओ और बचाओ उन रिश्तों को। जाओ और बचाओ उन रिश्तों को। जाओ, जाओ। नाराज है हमसे? नहीं होना चाहिए। ये बेरुखी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अर्जुन प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। नहीं करेंगे। बस हमें इतना बता दीजिए कि सच्चाई क्या है। कहां दिया? बताएंगे अर्जुन, जरूर बताएंगे। बस हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। कितना वक्त चाहिए आपको और क्यों? अब आपके राज हमें परेशान करने लगे। अब तक हम आपको सिर्फ वक्त ही तो देते हैं। जब आप हमें कोई जवाब नहीं देते तो हम घर वालों के सवालों को क्या जवाब दें? क्या कहेंगे हमसे? कहां दिया और जहां भी थी तो इस बारे में हम क्यों नहीं जानते? कभी अपने आप को हमारी जगह पर रख के देखिए। अगर आप हमारी जगह पर होती तो घर वालों को क्या जवाब दें? हम समझते हैं अर्जुन, सही वक्त आने पर हम आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे। जब जवाब देना है तो आज क्यों नहीं? हमारी कुछ मजबूरी है अर्जुन। हमारे रिश्तों के बीच में दरार पड़ चुकी है और ये दरारें तब भरेंगी जब हमारे बीच में कोई राज नहीं रहेगा। समझिए आप? क्यों आपने हमारे साथ ऐसा किया? क्यों? आपकी इस हरकत की वजह से माँ शब्द से हमारा विश्वास ही उठ गया। आपकी ये बात हमारी बहुत मदद करेंगे अमृता, और आप वही करेंगी जो हम चाहेंगे। अमृता, तुम्हें कभी कह नहीं पाए अमृता, लेकिन हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। शायद इसीलिए जब भी तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है हम वहां थे। कभी नागरानी से बचाए तो कभी आग से। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता अमृता। कुछ तो है जो भगवान ने हमारे लिए संबंध बनाया है, तुम समझो या ना समझो, लेकिन हम समझते कि ये प्यार है और कुछ नहीं हो सकता।
सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार है। अमृता, 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 अमृता। बेटा, आंसू पोंछकर दुख छुपाया तो जा सकता है, पर कम नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि आपके और अर्जुन के बीच क्या हुआ है, लेकिन बेटा, ऐसा वक्त हर पति पत्नी की जिंदगी में आता है, पर सब ठीक किया जा सकता है। आप दोनों के बीच भी सब ठीक हो सकता है, अगर आप चाहो। हम समझे नहीं। पति और पत्नी के बीच कुछ राज नहीं होता बेटा। राज वो चीज है जिससे शक पैदा होता है, और शक वो चीज है जो रिश्तों को बर्बाद कर देता है। आप समझदार हैं बेटा, और हम जानते हैं कि आप समझ गई होंगी कि आपको क्या करना है। जी, खुश रहिए और अपने उलझनों को सुलझाने की आदत डालिए। ये ना पहली समस्या है और ना ही आखिरी बेटा। आपको त्रिवेणी को डसना होगा। ये झुमका, यानी दादी साहब अभी तक वो सब कुछ नहीं भूली है। इतनी बड़ी मुसीबत हम कैसे भूल गए? अब हम क्या करें? हम दादी साहब का शक दूर करें? यार झुमका, कैसे बचें इन मुसीबतों से? वो भी ऐसे हालात में जब हमारी ही माँ हमारी दुश्मन हो गई है। हमें कामयाब होने दें, हमें कामयाब, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हम जो चाहते हैं, हम जो चाहते हैं, पैसा कीजिए। सुनो बहू। जी मासा। एक मिनट। आप जानती हैं ये झुमका किसका है? चुण, 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 चुण,
झुमका पर आप क्यों जानना चाहती हैं मासा? इसलिए कि ये झुमका जिसका है उसका नागिन से कोई ना कोई रिश्ता है, वो नागिन जिसने हमें डसा था। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द पता चल जाएगा। वो कैसे? जिसका भी ये झुमका है वो भी इस झुमके के लिए परेशान हो रही होगी, और उसकी किसी ना किसी हरकत से वो एक ना एक दिन हमारे सामने जरूर आ जाएगा। आप ठीक कह रही हैं वो। मासा, आज दादा साहब की बरसी है और हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपने हमसे कहा था, आज पूजा रखी है और 11 ब्राह्मणों को घर पर बुलवाया है, उन्हें भोजन करवाकर दक्षिणा देनी होगी। ठीक है बेटा। दादी सा ये जाने बिना चैन से नहीं बैठेंगे कि वो झुमका किसका है, और हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। पर कैसे? त्रिवेणी के पति का श्राद्ध, हमें अपना काम पूरा करने, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, धन्यवाद मायावी, आपकी इतनी मदद बहुत है हमारी, बस हमें 2 बजे तक इंतजार करना होगा। 2 बजे तक, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा। अब हवन की विधि पूर्ण हो गई, ब्राह्मणों को भोजन की व्यवस्था कीजिए। अमृता बेटा, ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था करो। बार है अमृता, जो खाली नहीं जाएगा। अब आप नागिन बन जाएंगी और सभी को पता चल जाएगा कि इस परिवार की बहू एक नागिन है, एक इच्छाधारी नागिन। तेज हवाएं कैसे चलने लगी?